को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जंगल के खंड के अलग अलग राजा हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, राक्षसों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है। तो राम क्या करते हैं? राम लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण राम को पूछते हैं कि भाई आपने तो कर दिया संहार शुरू, और हम चाहेंगे तो थोड़े दिन में ये जंगल राक्षसों से विहीन हो जाएगा, आगे क्या ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं कि दूसरे राक्षस नहीं आए और इनको फिर परेशान ना करें? तो राम कहते हैं गारंटी तो कुछ नहीं है, हम अभी संहार करके जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो लक्ष्मण उनको कहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए कुछ चले, ऐसा कुछ तंत्र बनाओ। तब राम कहते हैं लक्ष्मण इसके लिए रास्ता बहुत टेढ़ा है। तो लक्ष्मण पूछते हैं क्यों? तो लड़का कि ये राजा जिनका ये राज्य है वो डरे हुए सिमटे हुए अपने अपने घरों में बंद है, राक्षसों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं अगर इनका संहार करूं और यही राजा दोबारा राज्य इस पर स्थापित करें, फिर राक्षस आएंगे, फिर इनको किनारे कर देंगे और यह सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण इन सभी राजाओं को बदलना पड़ेगा, ये काम के नहीं है, ना प्रजा के ना समाज के, इनको बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि फिर राजा कौन बनेगा, आप बनेंगे क्या या मैं बनूंगा? तो कहते नहीं, हमारी यह परंपरा नहीं है। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं, वो और भी महत्व का है, वो कहते नहीं ये हमारी परंपरा नहीं है। तो लक्ष्मण पूछ रहा है हमारी परंपरा क्या है, फिर भारत की परंपरा क्या है, हमारा दर्शन क्या है? तो राम कहते हैं कि किसी राजा की मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राजा को हमने जीत लिया। मान लीजिए उस राजा को हमने इतना मदद कर दिया कि वो अपने राज्य की सुरक्षा करने में हमारी मदद के बाद अधिकृत हो गया है, तो भी हमारा कोई अधिकार उस राज्य पर नहीं है। हमारी भूमिका यह है कि ये डरे हुए संकुचित सीमित अपने अपने घरों में दुबके हुए जो कमजोर राजा हैं, इनको या तो शक्ति दे दो, नहीं तो इनके स्थान पर शक्तिशालियों को राजा बना दो। तो लक्ष्मण कहते हैं ये दूसरा हिस्सा ज्यादा आकर्षक। तो राम कहते हैं एक बड़ी बात कि गणतंत्र में ऐसा ही होता है, गणतंत्र में ऐसा ही होता है, तो प्रजा के बीच में से राजा चुना जाता है। तो ठीक है, हम प्रजा के बीच में से राजा चुने तो इसकी व्यवस्था क्या हो? तो राम कहते हैं कि देखो एक शिविर की व्यवस्था करो, परमानेंट स्थायी शिविर की व्यवस्था करो, मैं और तुम दोनों मिलकर यहां के जो नागरिक हैं इनको प्रशिक्षण देंगे, सैन्य प्रशिक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है इसका प्रशिक्षण देंगे, बाहर के हमलों से बचा कैसे जाता है इसका प्रशिक्षण देंगे, और इस प्रशिक्षण को लेने में जो सबसे ज्यादा कुशाग्र होगा, बुद्धिशाली होगा, बलशाली होगा, हम उसी को मान लेंगे कि ये आने वाले राज्य में राजा बने। तो ठीक है, तो उनके शिविर की व्यवस्था होती है जिसको हम छावनी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कैंप कह सकते हैं, और उस कैंप में राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर युद्ध की अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देना शुरू करते हैं। तो जिनको विद्याएं दी जा रही हैं वो अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, जैसे भील हैं, जैसे कोल हैं, ऐसी अलग अलग जातियां हैं, और इन जातियों का वर्णन तमिल की कंबन रामायण में बहुत है, 4,556 जातियां उसमें गिनाई गई हैं। राम जिनको ट्रेनिंग दे रहे उन जनजातियों के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग के दौरान, शिविर के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जो जो उनको लगता है कि ये सक्षम है उसको वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ युद्ध में शामिल हो और हम इस राक्षस का संहार करने जा रहे हैं, आप भी चलो। तो जो समर्थ है उनको साथ लेके जाते हैं और उन राक्षसों के संहार में उनकी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं।
जो राम को समझ में आ जाता है कि ये ठीक है, लौटने के बाद उसका राज तिलक करते हैं और राजा घोषित करते हैं, और जो राजा था झूठ मूठ का उसको कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम या तो पद छोड़ो नहीं तो ये राजा तुमसे पद छोड़वा लेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था करते हैं। जो समझने की बात है वो ये कि जहां के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, कोई भाई भतीजा बात नहीं फैलाना है। अगर राम चाहे तो हर राज्य पर अयोध्या का मोहर लगा के, सिक्का लगा के उसको अधीन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राज्य जीत कर ही उनको दे रहे हैं राक्षसों से, लेकिन अयोध्या की मोहर नहीं लगानी है, अयोध्या का सिक्का भी नहीं लगाना है। जिन जनजातियों का राज्य है उन्हीं को वापस लौटाना है, ये उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात। वो चाहें तो खुद राजा बन के बैठ सकते हैं, उनकी ताकत है, हैसियत है, और जनता भी उन्हें पसंद करेगी, मना नहीं करेगी, लेकिन राज्य को जीतकर स्थानीय लोगों को ही राज्य संचालन के लिए देना है और उसी में से किसी को राजा बनाना है। ये कहानियां अलग अलग नामों से आप सुनते हैं। जैसे एक नाम है बाली का राज्य है, बाली रावण का मित्र है, हम सब जानते हैं रावण बाली का मित्र है, लंका से बाली के सीधे संबंध है, तो बाली के राज्य में रावण के दूत विचरण करते हैं और जो कुछ रावण अपनी लंका में करवाता है वो बाली के राज्य में होता है। बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो इन सबको पसंद नहीं करता, वो मानता है कि रावण अच्छा नहीं है, रावण की नीतियां भी अच्छी नहीं है, और रावण का जो विस्तारवाद है वो तो और भी खराब है, कोलोनियलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पसंद नहीं आने वाली बात है, लेकिन तकलीफ क्या है, सुग्रीव बहुत कमजोर है और बाली बहुत बलवान, सुग्रीव अगर बाली से युद्ध करे और राज्य हासिल करने की कोशिश करे तो बाली उसका कचूमर निकाल दे, ताकत बाली की बहुत है, सुग्रीव की बहुत कम है। तो सुग्रीव मन मन में तो सोचता है कि बाली गलत है, अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, रावण का समर्थन करता है, तो लेकिन सुग्रीव कुछ कर नहीं पाते। जब सुग्रीव को पता चलता है कि ऐसे कोई दो राजकुमार आए हैं अयोध्या से जो अन्यायियों का, अत्याचारियों का, कुरीति फैलाने वालों का नाश कर रहे हैं, तब सुग्रीव के मन में आशा बनती है कि जरूर ये मेरी भी मदद करेंगे। सुग्रीव के मित्र है हनुमान, वो कहता है मैंने सुना है ऐसे दो राजकुमार आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वो राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो क्या मेरा जो भाई राक्षस जैसा है इसका भी संहार करेंगे? तो हनुमान कहते हैं पता नहीं है, चल के मिल लो, बात कर लो। तब हनुमान और सुग्रीव दोनों जाते हैं राम के पास, और राम और सुग्रीव का लंबा संवाद और राम और हनुमान का लंबा संवाद, और इस लंबे संवाद के बाद सुग्रीव और हनुमान दोनों आश्वस्त होते हैं कि ये दोनों खरे आदमी हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई लालच नहीं है, ये तो सच में जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तब सुग्रीव अपनी कहानी सुनाता है कि मेरा एक भाई है बाली, बहुत आताताई है, अत्याचारी है, रावण के साथ में है, कुरीतियों का पालन करता है, अनीतियों को फैलाता रहता है, अत्याचार अन्याय प्रजा पर बढ़ाता रहता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, सब लोग उससे परेशान है, पूरे राज्य में व्यभिचार फैला रखा है, वैश्यावृत्ति और मदिरा गांव गांव मिल रही है, इतनी सब वर्णन वो करते हैं सुग्रीव। तो राम पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहते हैं कि आप सारे जंगल के राक्षसों का संहार करने निकले हैं, एक इसका भी करो। तो सुग्रीव को वचन दे दिया उन्होंने कि ठीक है, अगर ये बात सत्य है कि तुम्हारा भाई ऐसा है तो ये तय मानो कि उसका संहार मेरे ही हाथों होगा, लेकिन संहार मैं करूंगा तो सही, तुम्हें अपनी तैयारी अभी से करनी है कि उसका संहार होने के बाद तुम जब राजा बनोगे तो तुम कैसे चलाओगे राज्य। तो सुग्रीव के मन में यह कल्पना नहीं है कि राम ऐसा पूछेंगे, वो तो यह सोच के आया है कि ये अगर बाली का संहार करेंगे तो राम राजा बनेंगे, मैं उनका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसके मन में यह कल्पना नहीं है कि राम ही कहेंगे कि राजा भी तुम्हें बनना है, प्रधानमंत्री तुम्हें बनना।
तो सुग्रीव थोड़ा सकपका जाता है, फिर कहता मैं हनुमान से जरा विचार विमर्श कर लूं। तो हनुमान कहते हैं कि देखो ये जो दोनों राजकुमार हैं इनकी आंखों में सच्चाई है, इनके वचन में सच्चाई है, इनके कथन में सच्चाई है, और ये जिस गुरु के शिष्य हैं उनको सब जानते हैं विश्वामित्र, वो विश्वामित्र का कोई शिष्य झूठ नहीं बोलता, ऐसी मान्यता है। तो मान लो कि ये सच कह रहे हैं, राज्य तुम्हीं को मिलेगा, लेकिन ये तुमसे गारंटी चाहते हैं कि तुम भी वैसा ही तो नहीं करोगे जैसा वाली करता है। तब सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं ये नहीं करने वाला। तो राम कहते हैं कि ठीक है, तुम अब तैयारी करो, तुम्हारी अपनी क्षमता बढ़ाओ, तुम्हारे सैनिकों को तैयार करो। तो सुग्रीव कहता है मैंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता, मेरे पास कोई सैनिक नहीं है। तो उनका ठीक है, तुम्हारी प्रजा में जो लोग तुम्हारे समर्थक हैं उनको मेरे शिविर में लेके आओ। तब सुग्रीव और हनुमान एक अभियान चलाते हैं और किष्किंधा राज्य जो बाली का राज्य है वहां से उनके समर्थकों को ला लाके श्री राम के शिविर में दाखिल करते हैं और श्री राम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छी ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब सेना तैयार होती है तो राम कहते हैं कि अब युद्ध का समय है, और सुग्रीव को तैयार करते हैं कि युद्ध तो तुमको करना है, मैं तो तुम्हारे सहयोग में हूं। तो सुग्रीव कहता है भगवान वो तो मार डालेगा मुझे, उसकी ताकत इतनी है, 5 मिनट में मैं नहीं ठहर पाऊंगा। तो राम कहते हैं कि मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि मरने नहीं दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना है। फिर वो कहता क्यों, तो राम कहते हैं जो बहुत गंभीर बात, वो कहते देखो समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो सहयोगी की भूमिका में हूं। यही तो लाखों साल के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुमको करना है, मैं तो सहयोगी की भूमिका में। महाभारत में भी यही है, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, कमजोर पड़ रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राम इसी बात को लाखों साल पहले कह रहे हैं सुग्रीव से, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें करना है। मतलब शायद ये भारत और भारतीयता का कोई बड़ा दर्शन रहा होगा कि जिसकी समस्या है संघर्ष उसी को करना चाहिए, और उसी दर्शन को राम प्रतिपादित कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि समस्या आपकी हो संघर्ष कोई और करे, राजीव भाई आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं होता है। समस्या आपकी है तो आपको संघर्ष करना है, मेरी है तो मुझे संघर्ष करना है, ये तो राम जी बता रहे हैं हमको। तो सुग्रीव को तैयार किया, हिम्मत बधाई है, और सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ है। आप जानते हैं बाली बहुत ताकतवर है, सुग्रीव कमजोर है, और बाली सुग्रीव को मार डाले, ऐसी स्थिति में जब आता है तो भगवान राम का एक बाण बाली को मार जाता है, और उसके बाद बाली खत्म, और सुग्रीव को उसका राज्य राम दिलवाते हैं। तब सुग्रीव कहता है कि अब आपकी जिंदगी भर में सेवा करूंगा, आपकी जिंदगी भर सेवा।